नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव शर्मा आपका हॉकी फीड में स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि गिरिराज सिंह अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने एक बयान में कहा कि अब जम्मू कश्मीर में आतंकियों, उग्रवादियों और पत्थरबाजों की खैर नहीं है। हम सब जानते हैं ये उन्होंने किस वजह से कहा है, किस लिए कहा है। सीधी सी बात है, भाजपा ने पीडीपी से गठबंधन तोड़ा है, अब भाजपा खुलकर फ्रंट फुट पर आ गई है। गिरिराज सिंह ने कहा आगे कि इन लोगों के खिलाफ मोदी सरकार अब सख्ती से निपटेगी। पीडीपी से गठबंधन तोड़ने पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में देश हित में, जम्मू कश्मीर के लिए देश हित में पार्टी ने फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए नहीं बीजेपी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के सवाल पर गिरिराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार लॉ कमीशन के रिपोर्ट का इंतजार कर रही है बस, और रिपोर्ट आने के बाद ही कोई निर्णय संभव है। ज्ञात हो कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी के बीच जो गठबंधन अभी टूटा है, खुद भाजपा महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी राम माधव ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि घाटी के हालातों को देखते हुए गठबंधन में रहना सही नहीं है। इसके बाद राज्य की मुख्यमंत्री जो महबूबा मुफ्ती थी, उन्होंने कैबिनेट के साथ फिर इस्तीफा दे दिया। महबूबा के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर में बुधवार को सुबह राज्यपाल शासन लगा दिया गया है। इस सब के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी अध्यक्ष जो है उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोरा से मिले थे। उन्होंने भी जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने हालांकि जल्द चुनाव कराने की भी मांग की है। लेकिन अब ये हम सब लोग जान गए हैं कि अब जो है भाजपा नहीं रुकने वाली है। पत्थरबाजों पर, अलगाववादियों पर और पाक से जो आतंकी आते हैं उन पर अब सरकार बहुत जबरदस्त कोई एक्शन जरूर लेगी। कोई इसमें गुंजाइश, मतलब दो राय भी, ये भी हो सकता है कि आपको कहीं दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक भी देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती बार 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 रोक रही थी भाजपा को, भाजपा के पैरों में बेड़ियां डाल दी गई थी। वो बेड़ियां कब तक चलती? मोदी सरकार ने अपना रुख साफ किया, मोदी सरकार ने सीधे तौर पर पीडीपी से गठबंधन तोड़ दिया। अब देखते हैं आगे क्या रणनीति रहती है। हमको जैसे ही कोई अपडेट मिलता है हम आप तक तुरंत पहुंचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें।